विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। कैश फॉर क्वेरी मामले में आरोपी महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं ने यह आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पवन खेड़ा और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपने फोन में आए इस तरह के अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। आरोप यह है कि एप्पल ने मंगलवार को देश भर के आधा दर्जन नेताओं को अलर्ट मैसेज भेजा है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि उनके आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए निशाना बनाया गया है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन एप्पल ने बयान जारी करके विपक्ष के आरोपों को गलत बताया है। एप्पल ने बयान जारी कर कहा है कि हम किसी विशेष राज्य प्रायोजित हैकर की बात नहीं कर सकते। यह संभव है कि एप्पल की कुछ सूचनाएं झूठी चेतावनी हो सकती हैं। ऐसी सूचनाएं जारी करने की वजह बताने में हम असमर्थ हैं। वजह बताने से भविष्य में हैकर्स को बचने में मदद मिल सकती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, भारत सरकार को अब कोई काम नहीं बचा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को चंद पैसों के लिए गिरवी रखने वाली आरोपी सांसद का ये घड़ियाली आंसू सचमुच मुझे हंसने पर मजबूर करता है। दिल्ली पुलिस को तुरंत माननीय सांसद का मोबाइल लेकर जांच करनी चाहिए। सांसद को तुरंत प्राइवेसी हनन के लिए केस करना चाहिए। राहुल गांधी जी की तरह आरोप लगाकर भागना नहीं चाहिए। उन्होंने भी मोबाइल टैप की बात कही, लेकिन फोन नहीं दिया। और इस पर राहुल गांधी क्या बोले हैं वो भी सुनते हैं। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं आपको, उठा के ले लो। ये क्या मैसेज है नहीं है ये उनका कहना है ना, इसको एप्पल क्लैरिफाई करेगा। क्या वैसे ही होगा जहां राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पिगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने? तो ये तो मुझे, और आपने शशि थरूर की बात की तो वो तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं आईटी के, टेलीकॉम के, उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर। नहीं संतोषजनक हो FIR करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। तमाम नेता जिनके पास इस तरह के नोटिफिकेशन आए हैं वो ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए अपनी बात रख रहे हैं और मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एप्पल का जो बयान आया है वो एक आधिकारिक बयान है और उससे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जा रही हैं। दो तीन बातें बिल्कुल साफ कर दी हैं एप्पल ने। पहली बात ये कि उनका कहना है कि वो किसी स्टेट स्पेसिफिक हैकर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष राज्य प्रायोजित हैकर की बात नहीं कर रहे हैं। अब इस वाक्य से उनका
इसका आशय क्या है यह नहीं पता, लेकिन इससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि वो किसी एक देश या किसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक आम जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसमें भारत के भी हो सकते हैं, उसमें दूसरे देशों के भी हो सकते हैं, ये हम अनुमान लगा रहे हैं जो एप्पल की तरफ से ये बयान आया है। दूसरी बात, एप्पल ने ये कहा है कि ये जो अटैक्स होते हैं, अगर हैकर्स की ओर से इस तरह के अटैक होते हैं, उनको थ्रेट इंटेलिजेंस सिग्नल्स के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन उसी लाइन में एप्पल ने आगे लिखा है कि ये जो थ्रेट इंटेलिजेंस अलर्ट होते इंटेलिजेंस सिग्नल्स होते हैं, वो कई बार इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट होते हैं, गलत होते हैं, अधूरे होते हैं। तो उसको उसके ज़रिए, उस थ्रेट इंटेलिजेंस सिग्नल के ज़रिए जो भी अलर्ट दिया जा रहा है, नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, वो हो सकता है कि गलत भी हो और अधूरी सूचनाओं पर आधारित हो। तीसरी बात, एप्पल ने जो सबसे बड़ी कही है मुझे लगता है, वो ये कि कई बार इस तरह के जो नोटिफिकेशन जाते हैं एप्पल की तरफ से, वो मे बी एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशंस मे बी फॉल्स अलार्म्स और दैट सम अटैक्स आर नॉट डिटेक्टेड। मतलब ये कि कोशिश कहीं से की गई लेकिन इस तरह के अटैक को वो पहचान नहीं पाया, एप्पल का जो भी सिस्टम है वो पहचान नहीं पाया, तो इस तरह से एक अलार्म दिया जाता है, फॉल्स अलार्म बोले उसको, रैंडम अलार्म बोले, जो भी हम कहें। तो ये तीन बातें एप्पल ने बिल्कुल साफ कर दी है, तो काफ़ी कुछ इससे साफ हो जा रहा है। लेकिन ये बात कही चुकी विपक्ष के नेताओं की तरफ से कही जा रही है बात। आपने देखा प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने एक मांग की है कि इसकी पूरी जाँच करवाई जाए क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मामला है। तो सरकार की तरफ से इस पर क्या कोई बात आगे की जाती है, क्या कोई जांच की जाती है, ये अभी मालूम नहीं है। सरकार की तरफ से इस पर कुछ बात कही जाएगी तो और बातें साफ होंगी। सरकार की ओर से हम लोगों ने संपर्क किया है जो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उनके उनके सूत्रों को हम लोगों ने संपर्क किया, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा है। संभवतः आज कोई औपचारिक बयान आने की संभावना है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, कोई सफाई नहीं दी गई है। बीजेपी की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि जिनको शिकायत है वो पुलिस के पास जा सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन कुछ सूत्रों का सरकार की कहना है कि जब एप्पल का बयान आ गया है, चूँकि पूरा आरोप और जो नोटिफिकेशन आया वो एप्पल की तरफ से आया है, तो एप्पल ने जब कई बातें साफ कर दी हैं तो ये मैटर यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये मामला गंभीर है, कई नेताओं ने इसको उठाया है, तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से कोई औपचारिक बयान आए या कोई अनौपचारिक बात कही जाए, तो उसका हमें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या सरकार जाँच करवाती है, इस पर भी नजर रखना पड़ेगा।